स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए, सेंसेक्स ने आज जो है 66,000 को क्रॉस करा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया आज भी और नीचे ही जाके बंद हुआ। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही है इसको ऊपर जाने में, लेकिन इसको रेंज को तोड़ना पड़ेगा और ये रेंज जब टूटेगा तो ब्रेकआउट करेगा। कम से कम ये 66,500 के आसपास में ही जाके ठहरेगा। मार्केट की अच्छी खबर क्या है? पहला, एक तो निकी जो है वो अपने 33 साल के हाईएस्ट पर है। उसके अलावा नैसडेक जो है वो अपने हाईएस्ट पर है। टेक जॉइंट जितने थे उन्होंने काफ़ी अब बढ़िया बूस्ट किया था लास्ट डे मार्केट को, अमेरिकन मार्केट को, तो उससे काफ़ी बड़ी होप जो है मार्केट को अभी है। उसके अलावा 8,000 करोड़ का जो ये इंसेंटिव जो है वो इलेक्ट्रिक बैटरी व्हीकल के प्रोडक्शन को दिया गया है, जो कि आज ही इसके ऊपर में अप्लाई हुआ है। यहाँ पर आपको कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है गूगल पर, लेकिन मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये इनसाइडर न्यूज़ है जो कि काफ़ी कम ही लोगों को पता होती है। उसके अलावा देखिए, ये लीजिए, आज के दिन में 18% का जम। मैंने बोला था आपको, बोला था बाय कर लो 56 पे, कल भी बोला था मैंने 61 पर बाय कर लो। आज के आज में ही आपको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा हो जाता है। देखिए, 56 से जिसने बाय किया था उसका फ़ायदा देखोगे तो 34% का फ़ायदा है ना, उससे तो निकाल लिया। लेकिन जिसने 61 पर भी किया उसका भी फ़ायदा काफ़ी बढ़िया है भैया, उसने भी 25% का प्रॉफिट निकाल लिया। इससे बढ़िया और क्या लोगे एक वीक में 25%। मैंने आपको पहले ही बोला था कि म्यूचुअल फंड भी आपको पैसा नहीं दे पाएगा, एक म्यूचुअल फंड भी आपको पैसा नहीं दे पाएगा इतना जितना आप यहाँ पर पेड ग्रुप में जुड़ोगे तो आप पैसा बना लोगे। और पेड ग्रुप की प्राइस कितनी होती है? 300 रुपीज़ पर मंथ। ये लीजिए, SJVN के अंदर में भी जंप और 80 को क्रॉस SJVN ने भी कर दिया। लास्ट एक महीने की चार्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पर था 66-70 आया, 74 के बाद आने के बाद में इसके अंदर में काफ़ी कंसोलिडेशन चलता रहा और वापस से ये ऊपर पहुँच गया शेयर। और देखिए, यहाँ पर ये हाई मारा था इसने 80 का, उसके बाद गिरावट हुई थी इसके अंदर में और लगभग 66 पर लो मारा था और मैंने कहा था इसको और खरीदो और ये ऊपर ही जाएगा। उसके अलावा चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं राजेश एक्सपोर्ट की, जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं अभी चल रही है मार्केट के अंदर में। 1,000 रुपये से गिरकर नीचे की तरफ में ड्रैग ही करता जा रहा है लगातार, इसमें एक साल से जो है गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये रहा इसका मैक्सिमम चार्ट जो कि 950 रुपये के आसपास में था और तब से इसके अंदर में गिरावट इसके अंदर में देखने को मिल रही है। अभी गिरावट की वजह क्या है पहले तो वो जानेंगे, और क्या ये स्टॉक बाय करने के लिए ठीक है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो टॉप था ना, ये टॉप बना है आपके फरवरी के अंदर में, ठीक है। उससे पहले का अगर मैं चार्ट लूँ 5 साल का, पिछला टॉप जो बना था वो भी बना था फरवरी के अंदर में, समझ गए। पहले वाला जो टॉप बना है वो भी फरवरी में बना है और अभी वाला टॉप बना है वो भी फरवरी में बना है। पहले में जब गिरावट हुई थी तब 522 था, लेकिन अब जब गिरावट हुई है तो ऑलमोस्ट शेयर ने कहाँ तक लो मारा है, लेयर लो मारा है 338 का, अभी 357 पर है शेयर। 1,000 से गिर कर आया, मतलब ऑलमोस्ट जो है शेयर के अंदर में 70% तक की गिरावट आपको देखने को इजीली मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से 70 नहीं मानोगे आप उसको, कई लोग बोलेंगे अरे ये तो 65 है, कई 60 है, आप उसको एक्चुअल में 70 मानो जो टॉप से गिर कर नीचे की तरफ में बॉटम बनाया, तो इतना बड़ा फिगर होता है उसके अंदर में, इतना चलता है, ठीक है। 60 अगर मैं इसको 67% बोलूँगा और 70 को राउंड फिगर कर दूंगा तो ये ऑलमोस्ट 70% ही है, ठीक है। चलो उस पर डिबेट नहीं करते, आगे चलते हैं। अब क्या इसके अंदर में कंपनी के अंदर में क्या दिक्कत है भैया? 10,000 करोड़ की कंपनी, कंपनी का पी जो है काफ़ी अच्छा अभी देखने को मिल रहा है। रिटर्न का कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों के दोनों, वो भी दोनों मेरे को बढ़िया देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% प्रमोटर्स के पास में है। अब इसके अंदर में दिक्कत क्या हुई मैं आपको बता देता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट जो था ना इसका अभी वाला, वो आया था डिक्लाइन। करीब 300 करोड़ का जो प्रॉफिट कमाती थी कंपनी, उसने प्रॉफिट कमाया केवल 45 करोड़ रुपए का, तो उस वजह से इसके अंदर में गिरावट आपको देखने को मिली लास्ट दो क्वार्टर से, ठीक है। सो क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर पिछले साल वाला, उसके बाद से गिरावट इसके अंदर में जारी हुआ और अभी क्वार्टर टू तक इसके अंदर में गिरावट है और अब क्वार्टर थ्री इसका लॉन्च होने वाला है। तो इस तरीके से इसके क्वार्टर का जो था, क्वार्टर फोर इसका हाई पीक था, क्वार्टर फर्स्ट से गिरावट स्टार्ट हुई, क्वार्टर टू में भी गिरावट रही। क्वार्टर वन क्वार्टर टू के अंदर में क्या हुआ था, सेलिंग आई थी, पहली सेलिंग आई थी FII से, दूसरी बार सेलिंग आई DII से, दोनों ने सेल करो, दोनों का जो स्टेक बाय करा वो किसने बाय करा, जनता ने। यहाँ से आप इस शेयर को बाय कर सकते हो इजीली और आप इसको होल्ड कर सकते हो 700 पर शेयर के टारगेट के साथ में, और इसके अंदर में स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप 300 रुपीज़ पर शेयर का, तो ये आपका प्राइस हो गया। यहाँ से आपका पैसा ये डबल कर सकता है, ऑलमोस्ट 700 तक जा सकता है ये शेयर, तो आप इसको यहाँ पर एवरेज कर सकते हो, नए शेयर इसको बाय कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं वो छोटे से शेयर के बारे में जो कि 22 रुपए का है, जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 6000 करोड़ का। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय और इक्विटी दोनों काफ़ी अच्छा है और पीई भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो इसका हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखें 23 और लोएस्ट जो है इसका 12.8 है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आपको देखने को मिलती है, रिड्यूस कर रही है डेट को, गुड क्वार्टर कंपनी के अंदर में आ रहे हैं, ग्रोथ कंपनी के अंदर में काफ़ी अच्छी हो रही है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करते हैं, सीधा चलते हैं ईयरली की तरफ में। पहले कंपनी क्या करती थी, लॉस, लेकिन लास्ट 10 साल से अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने 3 फिगर में जो अर्निंग करना स्टार्ट किया, फिर 2 फिगर में आई, फिर वापस से 3 फिगर, लेकिन बेस्ट 3 फिगर और बढ़ते हुए 3 फिगर के अंदर में जो है आपके अंदर में प्रॉफिट आ रहा है। उसके अलावा रिजर्व अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व है, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, कोई लाइबिलिटीज़ कंपनी के पास में नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 30.64 था, जो कि लास्ट जो क्वार्टर से गिरा था, इसलिए कंपनी के अंदर में थोड़ी बहुत वीकनेस थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर FIIs ने इसको जो है बाय किया है, अगर प्रमोटर्स ने बेचा है तो FIIs ने बाय किया है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अलावा जनता के पास में अमाउंट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, इस जो स्टॉक है जिसकी मैं बात करूँ उसका नाम है इन्फीबीम। इन्फीबीम 2007 में आई थी कंपनी, बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, मेंटेनेंस, वेब पेमेंट गेटवे, ई कॉमर्स एंड अदर। भैया यही तो अब नया सामान है जो आने वाला है आने वाले टाइम पर, अब यही सारी चीज़ें आने वाली है, ऐप्स आने वाले हैं, डेवलपमेंट आने वाला है, पेमेंट गेटवे आने वाला है, ई कॉमर्स है, वेब डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, ये सब कुछ ही। तो ये कंपनी आपके लिए जोर शोरों से साबित होगी, काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है कंपनी दे सकती है। अब देखिए कुछ न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहला, मार्केट ओपन और फ्लैट मिक्स ओपन ही चलता रहेगा, जिस तरीके से ओपन होगा राइज अप करेगा मार्केट, वो तो बात की बात ही, वो तो मैंने सेकंड मैसेज दे भी दिया था। ABB इंडिया ने देखिए पार्टनरशिप करी टीटागढ़, क्योंकि मेट्रो स्टेशन जो उनको बनाना है उसके लिए, वहाँ ही IRCTC के अंदर में गुड न्यूज़ थी, इसलिए IRCTC का शेयर वापस से 3% अप था। इंटीग्रा एसेंशिया 27 को जो है उनके अंदर बोनस शेयर आने वाला है, तो इंटीग्रा एसेंशिया। और उसके अलावा टाटा पावर यहाँ पर अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सिग्निफिकेंट 1.4 GW कैपेसिटी ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट जो इसके अंदर में आने वाले। ये सारी न्यूज़ आपको हिंदी में भी मिलती है, सेम वेस्कॉन इंजीनियरिंग के अंदर में काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। ये सारी न्यूज़ आपको देखिए बाहर नहीं मिलेंगी, ये सारी न्यूज़ मिलेंगी हमारे पास में 300 पर मंथ के जो है इसके साथ में। उसके अलावा देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर में मैंने पहले से बता दिया था कि टेक जाइंट्स बूस्ट कर रहे थे नैसडेक को, इसलिए एशियन मार्केट भी राइज कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं एक ही छत के नीचे, और कब, मार्केट खुलने से पहले पहले आपको सारी चीज़ मिल जाती है विद इनसाइडर ट्रेडिंग बोनस। उसके अलावा मार्केट खुला पॉजिटिव, थोड़ा सा सब कुछ पॉजिटिव रहा, लेकिन अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर में मार्केट जो है रेंज बाउंड में काफ़ी रहा। रेंज बाउंड में रहने के बाद में मैंने यही देखा कि आप है ना ट्रेड ज़्यादा कर लेते हो लेकिन प्रॉफिट आप ज़्यादा कमा नहीं पाते। तो देखिए इसके अंदर में हमने क्या था, पहला कॉल लॉस, दूसरा कॉल लॉस, आप तो घबरा जाएंगे, दोनों कॉल पहले ही लॉस में चली गई। उसके बाद हमने की रिकवरी, दो कॉल से 4000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, फिर एक और हम प्रॉफिट के लिए ले रहे थे यहाँ ट्रेड बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स ब्रेकआउट आ गया या फॉल्स ब्रेकआउट आ गया सडनली फेक मार्केट का, जिसने ये लॉस कर दिया था। उसके बाद में हमने वापस से प्रॉफिट कमाया और हमने 2700 रुपये प्रॉफिट निकाला। हालांकि कई लोग जो सेफर है उनको मैं ज़्यादा ट्रेड करने की सलाह देता ही नहीं, तो इतने ही ट्रेड होते हैं, तो यहाँ तक भी ट्रेड कर लेते वो तो भी चल जाता, तो भी प्रॉफिट इतना ही आपके पास में आता। तो इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000। उसके अलावा इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर भी हमारे पास, उसकी ग्रुप की प्राइसिंग है 1000। अगर आपको सारे ग्रुप लेने हो तो उसका कॉस्ट आपको 2300 की जगह आपको पड़ जाता है 2000 का, 300 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपका 22 नवंबर से स्टार्ट होकर 22 दिसंबर तक आपका प्लान जो है वैलिड रह जाएगा। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करोगे ना तो इसी तरह की आपको छोटी छोटी न्यूज़ दूंगा, जिससे क्या होगा आपको शेयर का पता चलेगा और शेयर कब पिक करना उसका भी पता चलेगा।